नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करेंगे महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समस्या, ब्रेस्ट लंप, स्तनों में गांठ के बारे में। जैसे ही एक महिला को अपने स्तन में कोई गांठ फील होती है या स्तन के टेक्स्चर में कोई बदलाव फील होता है, उन्हें बहुत डर लगने लगता है, कई सवाल मन में उठने लगते हैं। जो सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कहीं यह ब्रेस्ट लंप कैंसर तो नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है, लगभग 80% केसेस में यह ब्रेस्ट लंप्स जो होते हैं वो बेनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। लगभग 20% केसेस में ये लंप्स कैंसरस होते हैं। कोई लंप कैंसरस है या बेनाइन है वो डिपेंड करती है महिला की एज क्या है, जो लंप है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा है टच में, उसके मार्जिन्स कैसे हैं, मोबिलिटी कैसी है, आपने कोई प्रीवियस हिस्ट्री थी, कोई हाई रिस्क था कैंसर के लिए। ये सारी चीज़ों को देखकर हम एक डिसाइड करते हैं कि यह एक ब्रेस्ट लंप जो है बेनाइन है या कैंसरस है। तो फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है। जैसे ही आपको ब्रेस्ट लंप फील होता है, आप अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली कंसल्ट करें। आपके क्लिनिकल कंडीशंस को देखते हुए डॉक्टर आपको मैमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्दर FNAC या जो टिश्यू है उसकी बायोप्सी भेजी जाती है और उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। लेकिन पहली बात जो समझने की है वो है कि आपको अगर लंप फील होता है तो घबराना नहीं है, यह लंप बेनाइन और कैंसरस दोनों हो सकता है। बेनाइन लंप्स जो होते हैं यूजुअली डेंजरस नहीं होती हैं, खतरनाक नहीं होती है, वो लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है टिश्यू की, जहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उसकी ओवर ग्रोथ तो होती है लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती है। वहाँ ट्यूमर, लोकलाइज्ड ट्यूमर बन जाता है जो पूरे शरीर में नहीं फैलता है, वो वहीं पर रह जाता है। यूजुअली बेनाइन लंप्स जो होती हैं वो यंग एज में, यंग रिप्रोडक्टिव जो महिलाएं होती है, यूजुअली 35 के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। जो सबसे कॉमन बेनाइन ट्यूमर है जो महिलाओं में पाया जाता है वो है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट एंड फाइब्रोएडेनोसिस। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट जो है, इसमें आपके स्तनों में छोटे छोटे पानी भरे हुए सिस्ट बन जाते हैं। पेशेंट यूजुअली वेग लंप प्रेजेंट करती है, यानी कि कोई एक लोकलाइज्ड गांठ नहीं होती है, उन्हें पूरा जो ब्रेस्ट है वो गठीला गठीला टाइप का लगता है। और जो मेन कंप्लेंट होती है वो है ब्रेस्ट पेन, स्तनों में दर्द होता है। यूजुअली ये हार्मोन के इफेक्ट से होती है, सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, अपने आप धीरे धीरे करके ये जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती है। अगर नहीं होती है तो डॉक्टर्स एंड मेडिकेशन से, डॉक्टर की एडवाइस से, मेडिकेशन से आपके जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है फाइब्रो एडेनोमा। यह एक लोकलाइज्ड वेल डिफाइंड ट्यूमर है, जहाँ पे जो है ट्यूमर एकदम फॉर्म ट्यूमर पाया जाता है, वेल मार्जिन्स होते हैं, एकदम मार्जिन्स राउंड क्लियर होते हैं, और जो ट्यूमर है उसको हम घुमा सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसकी मोबिलिटी होती है ट्यूमर की, फिक्स नहीं होती है, यंग एज में मिलता है और यूजुअली पेनलेस होती है। इस ट्यूमर, अगर ऐसा ट्यूमर आपको मिलता है तो हम इसका अल्ट्रासाउंड FNAC कराते हैं। अगर इसमें कोई कैंसरस अंश नहीं होता है तो इसे हम रेगुलर फॉलोअप पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर इसका साइज बड़ा है, इससे आपको तकलीफ हो रही है, तो हम इसे सर्जिकली निकाल भी सकते हैं। यह खतरनाक नहीं होती है, आपके ब्रेस्ट में कहीं स्प्रेड नहीं करती है। लेकिन अगर बढ़ती उम्र में आपको कोई लंप फील हो रहा हो तो उसके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 40 के बाद ब्रेस्ट लंप के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। और अगर मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज के आसपास अगर आपको ब्रेस्ट में कोई लंप मिलता है तो देयर आर हाई चांसेस कि ये कैंसरस लंप्स है। यूजुअली कैंसरस लंप्स जो होती है वो बहुत हार्ड होती है फील में, मार्जिन्स इरेगुलर होते हैं, फिक्स होती हैं, लाइक आपके चेस्ट वॉल से, जो छाती की वॉल से, या तो उससे फिक्स होगा या ऊपर की तरफ स्किन से फिक्स्ड होती है। लंप के साथ साथ अगर आपके स्किन में कोई चेंजेस हैं, जैसे कि स्किन में लालिमा आ गई है, रेडनेस आ गई है, या फिर उस ट्यूमर के ऊपर की जो स्किन है उसमें स्वेलिंग आ गई है, या फिर नारंगी के छिलके जैसा छोटे छोटे लाइक स्पॉट्स बन गए हैं, स्वेलिंग के साथ साथ गड्ढे गड्ढे टाइप के लग रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ये जो लंप है वो कैंसरस है।
साथ साथ में कई बार निपल्स में भी चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे निपल्स जो होती है वो रिट्रैक्ट हो जाती है, अंदर की तरफ खिंच जाती हैं या डिसफिगर्ड हो जाती है, या निपल से डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, जैसे लाल कलर का, पीला, हरा, सफ़ेद डिस्चार्ज अगर आपके निपल से होता है तो ब्रेस्ट लंप जो है कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी अगर आपको ब्रेस्ट लंप फील हो तो अपने आर्मपिट को भी ज़रूर फील करें। कई बार जो ब्रेस्ट लंप जो होती है उससे ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स में भी ट्यूमर, यानी जो आर्मपिट में आपके ट्यूमर फील होता है, तो अगर आपके ब्रेस्ट लंप भी है और आपके आर्मपिट में भी कोई ट्यूमर मिल रहा है तब भी हाई चांसेस होते हैं कि यह लंप कैंसरस है। कोई भी लंप मिले आपको इसे लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको अगर लंप मिलता है तो आपको आपके डॉक्टर को जरूर जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है, क्योंकि जो मूल मंत्र है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट का वो है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर हम शुरुआती दिनों में ही ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लेते हैं तो उसका जो सर्वाइवल रेट होता है स्टेज 1-2 का वो 80% के आसपास में होता है, जबकि अगर लेट स्टेज 3 और 4 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होती है तो उसका सर्वाइवल रेट 10-15% है। इस गैप को हम अपनी जागरूकता से फिल कर सकते हैं। हम सिर्फ अपना मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके और रूटीन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर से करवा के, प्लस हर 2 साल पे मैमोग्राफी करा के खुद को ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से खुद को बचा सकते हैं और एक अच्छा सर्वाइवल बना सकते हैं अपना कैंसर के लिए। यानी कि अगर हम ये सारी चीज़ें, प्रिकॉशनरी मेथड्स यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, तो अर्ली स्टेज में कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम कैंसर फ्री एक अच्छी हेल्दी लाइफ कैंसर होने के बाद भी बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जब अपना जो है स्क्रीनिंग ज़रूर कराएँ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने जाना कि अगर आपको ब्रेस्ट लंप है तो नॉन कैंसरस और कैंसरस लंप को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।